हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ से चैप्टर नंबर 12। क्लियर है बेटा, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम क्या समझेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करें। ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में पहले पढ़ चुके हो आप लोग। तो ये तो सिंपली क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जैसे, क्लियर, और इस ट्रायंगल की आपको हाइट पता है, ये रही हाइट और ये इसका बेस। इस फॉर्मूला के लिए आपको मान लीजिए बेस गिवन है सपोज 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, और ये जो हाइट है ये है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, दैट इज 16, मान लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर है? तो ये बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। लेकिन इसको आप नोट कर सकते हो, अभी करना चाहते हो अगर वीडियो को रोक के, ठीक है, अभी तक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो क्या बताता है, वो कैसे फाइंड आउट करेगा, वो थोड़ा और इंप्रूव्ड मेथड है। मान लीजिए सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास, और इस ट्रायंगल की ये साइड को मैंने नाम दे दिया ए और ये साइड को नाम दे दिया स्मॉल बी और इस साइड को नाम दे दिया स्मॉल सी। क्लियर है? तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले जो है नॉलेज होनी चाहिए। देखिए पैरामीटर क्या होता है कि टोटल बाउंड्री कितनी है उसकी, जैसे ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है कि टोटल बाउंड्री कितनी है, ये बाउंड्री ए, ये इधर से वाली बाउंड्री बी और नीचे वाली बाउंड्री सी, तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास टोटल बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, यानी कि टोटल पैरामीटर आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? फिर उसके बाद एक टर्म है दैट इज एस, वो हमारी इक्वल होगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ये आपने याद रखनी है, ए प्लस मतलब जो पैरामीटर का जो हाफ है इसको मैंने नाम दिया एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए आप, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये है, मान लीजिए आपको इसकी ये लेंथ पता है ए बी और सी, तो आपके लिए एरिया फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का यूज करके आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है बेटा, समझ में आया? चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जिसकी टू साइड्स गिवन है, एक साइड 8 सेंटीमीटर दूसरी 11 सेंटीमीटर। तो देखिए आप मान लीजिए कि ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एक साइड को मैंने नाम दिया ए और दूसरी साइड बी है जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर। क्लियर?
तो जो पैरामीटर होता है ट्रायंगल का वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल का पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमें कितना दे रखा है पैरामीटर, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई आपको ए पता है, बी पता है, लेकिन सी भी तो पता होना चाहिए थर्ड साइड एरिया निकालने के लिए, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे, यहां पर देखिए ए की वैल्यू पुट कीजिए कितनी है 8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11 प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। 11 प्लस 8 19 प्लस में सी इक्वल्स टू 32, तो सी इक्वल्स टू ये 32 यहीं रखिए, इस 19 को उस तरफ जाके माइनस में ले जाइए, हो गया माइनस का 19। अब देखिए आप सी की वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां से पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और हमें पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है 32। ए की वैल्यू रख दो, बी की रख दो, सी की वैल्यू आप निकाल लोगे यहां से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब चलो ये सी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एस निकालिए। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है? और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 32, यानी पैरामीटर डिवाइड बाय 2, तो एस की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब देखिए आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस की वैल्यू 16 इनटू एस माइनस ए, यानी कि एस माइनस ए, ए की वैल्यू 8 है, इनटू फिर एस माइनस बी, बी कितना है 11, इनटू एस माइनस सी, सी कितना है 13। बस ये कर दो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर 16 इंटू 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3। अभी आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख देना है आपने। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा आपको यहां तक? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में एक बात याद रखनी है, एरिया की जो यूनिट होती है वो लिखनी जरूरी है, क्योंकि साइड, एक साइड सेंटीमीटर में है, दूसरी भी सेंटीमीटर में है, तो एरिया की जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर दोनों साइड मीटर मीटर में हो तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो वो यूनिट लास्ट में लिखनी जरूरी है, वरना नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा? तो इस वीडियो में केवल इतना ही करेंगे हम, जो हमने एक हीरोंस फॉर्मूला पढ़ा और उसका एक सिंपल सा बड़ा बेसिक सा यूज देखा हमने, लेकिन इसके और अच्छे एग्जांपल हम समझेंगे, जो एग्जांपल नंबर 2 और 3 है एनसीईआरटी का, जैसे वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में लेकिन केवल इतना ही, आप तब तक खुद से प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को, बाकी मैं खुद जो उनको करवाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।